नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कगन और स्वागत है और एजीबीजी की आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं थोड़ा सा मतलब अपनी स्पीड जो है वो कम रखूँगा, क्योंकि बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ही मतलब एक मैकेनिकल है, एक कमाल की इंजीनियरिंग वाला टॉपिक है। एक चीज़ कभी आपने सोची है कि गाड़ी के जो व्हील्स होते हैं जिनमें पावर सप्लाई होती है वो दोनों एक साथ चलते हैं? मतलब ठीक है, ज़रूरी नहीं हर गाड़ी में फोर व्हील ड्राइव हो, तो यूजुअली फ्रंट व्हील ड्राइव हो, या चलो एक एग्जांपल पकड़ते हैं, आज हम वो पकड़ते हैं महिंद्रा की स्कॉर्पियो का। अब स्कॉर्पियो में रियर व्हील ड्राइव आता है, रियर व्हील ड्राइव उस कार में क्या होता है, आगे के फ्रंट व्हील का कोई काम नहीं होता, वो चलते नहीं है, मतलब वो अपने आप इंडिपेंडेंटली गाड़ी रोटेट करती है तो रोटेट करते हैं, उसको इंजन पावर नहीं देता है, लेकिन जो पीछे वाले व्हील्स हैं उनमें पावर सप्लाई होती है। अब आपने कभी ये नोटिस किया है कि क्या होता है जब गाड़ी टर्न कर रही होती है? मान लो आपको एक यू टर्न लेना है, आप सीधे सीधे जा रहे हैं और आपके राइट की तरफ में यू टर्न है, आपको पूरा घूम के यू टर्न लेना है। उस सिचुएशन में आपके जो बाहर वाले टायर है, यानी कि जो एक तो ड्राइवर के साइड में टायर है, एक जो नॉन ड्राइवर साइड में टायर है, तो जो ड्राइवर वाला टायर है वो ड्राइवर साइड वाला व्हील है वो कम घूमेगा, क्योंकि आपको यू टर्न लेना है और उस टर्न में ड्राइवर साइड वाला व्हील जो अंदर की तरफ रहेगा वो कम घूमेगा, लेकिन जो बाहर की तरफ टायर है वो ज़्यादा घूमेगा। उस सिचुएशन में आपको नहीं लगता कि मतलब दोनों को पावर तो सेम ही सप्लाई होती है? क्योंकि चलो एक बात, एक आज मैं जुगाड़ लेके आया हूँ तो जुगाड़ के साथ ही आपको समझाता हूँ। ये जैसे कि यहाँ पे है हमारे पास, अब हमारी गाड़ी में ये दो टायर है और जब ये सीधा चलते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। मान लो सीधा चल लिए ये 100 मीटर, दोनों सीधा चल लिए, लेकिन अब एक बड़ा सा सर्किल है और इस बड़े से सर्किल पे अगर घूमना है यहाँ पे, तो अंदर वाले टायर को तो इतना ही चलना है और बाहर वाले को इतना घूमना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली सिचुएशन है, अंदर वाला तो इतना ही चल के घूम जाएगा, बाहर वाला जो इतना चल के घूमेगा टायर, तो ये अलग अलग कैसे घूम सकते हैं जबकि टायर तो एक साथ जुड़े हुए हैं, इंजन तो एक साथ पावर सप्लाई कर रहा है ना, अलग अलग कैसे घूम सकते हैं? बात तो सही है, अगर ये एक साथ जुड़े हुए हैं तो जब गाड़ी टर्न होगी तब क्या होगा, एक व्हील तो हो जाएगा लॉक और दूसरा व्हील जो है घसीटता जाएगा साथ में, या तो एक व्हील अपने स्पीड के हिसाब से चलेगा जितना इंजन स्पीड दे रहा है और दूसरा वाला घसीटता जाएगा। ये सिचुएशन पहले जब इंजीनियर्स ने गाड़ियाँ डिज़ाइन की तो उनको समझ में आई, और उस वक्त क्या होने लगा कि एक्सल जो है उस पर लोड पड़ने लगा, कई बार व्हील्स के जो है एक्सल टूट जाते थे या जो जॉइंट होते थे वो टूट जाते थे, तो उसका जुगाड़ क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, इंजीनियर्स ने सॉल्यूशन के रूप में उनको नज़र आया डिफरेंशियल। जी हाँ, डिफरेंशियल जो है ये आप कई बार सुन चुके होंगे, महिंद्रा स्कॉर्पियो बोलेरो उनके पीछे छोटा सा लटकता हुई चीज़ भी देखी होगी आपने बीचों बीच, वहाँ पर वो डिफरेंशियल होता है, उस जगह पर डिफरेंशियल होता है। डिफरेंशियल का मुख्य काम क्या है, वो ये है कि गाड़ी की पावर जो है एक्सल से आ रही है उनको दो भागों में बांटना और उनको दोनों टायर्स तक दोनों तरफ दोनों व्हील्स में पहुँचाना, ये डिफरेंशियल का मेन काम है। लेकिन उसका नाम डिफरेंशियल कैसे पड़ा वो बताते हैं। दरअसल डिफरेंशियल जो है वो पावर को डिफरेंट तरीके से डिवाइड करके भेज सकता है। ये कैसे होता है, ये चीज़ कैसे पॉसिबल होती है, वो थोड़ा सा आगे जाते हैं तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप इतना समझो कि डिफरेंशियल जो है वो पावर को डिवाइड दो भागों में डिवाइड कर देगा और वो डिफरेंट तरीके से भी डिवाइड करता है। डिफरेंट तरीके से क्या डिवाइड करता है वो मेन खेल है डिफरेंशियल का, इसलिए उसका नाम डिफरेंशियल पड़ा। सबसे पहले इस ये जो आपके पास में सामने वीडियो चल रही है इसको देखो, यहाँ पे जो वाइट कलर में आपके पास अवेलेबल है, दो तरीके हैं, वाइट और ग्रीन आपको दो जगह दिख रहे हैं। जो वाइट वाला है वो अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ग्रीन वाला एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये तब ये वीडियो जो चल रही है ये वीडियो बताती है कि इंजन बंद है, आप सिर्फ टायर घुमा रहे हैं। सपोज करो इंजन बंद है और आप जो है व्हील घुमा रहे हो अपने हाथों से, उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर आप व्हील को क्लॉकवाइज घुमा रहे हो एक साइड तो उसके जो अपोजिट साइड में व्हील होगा वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा अपने आप। ऐसा क्यों होता है, ये डिफरेंशियल का काम है। लेकिन अभी आप यही समझो कि अगर आप एक को क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो दूसरी साइड वाला एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, अब ये जो दूसरी वीडियो है सिमिलर सेटअप में, यहाँ पे जो ब्लू कलर का व्हील घूम रहा है, ये ब्लू कलर का व्हील इंजन से पावर लेके आ रहा है, ये ट्रांसमिशन जो गियर बॉक्स से निकल के आने वाली जो भी पावर टॉर्क है वो घुमा रहा है इसको, और घुमाने के साथ क्या हो रहा है, आप देख रहे हो दोनों ग्रीन और वाइट कलर के हैं जो टायर्स है, दोनों टायर्स है दोनों साइड के, उन दोनों में पावर जा रही है। अब ये तो आपको समझा दिया, लेकिन यहाँ पे ये क्या, इससे क्या फ़र्क पड़ा, मतलब इतनी जो रामायण हमने सुनाई है उससे ये कहाँ पता चलता है कि भैया टर्न करते वक्त जो है वो व्हील्स की स्पीड अलग अलग है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखते हैं ध्यान से, जब आपकी गाड़ी चल रही हो उस वक्त पावर जो है वो ब्लू कलर वाला चलते हुए दे रहा है और वो सब घूम रहा है मामला जितना भी है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी घूमने लगे तो एक टायर जो है वो थोड़ा सा ब्रेक सा क्रिएट करेगा, मतलब वो थोड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस जैसे बोले मतलब
वो दबाव बनाएगा, वो घूमेगा नहीं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, गाड़ी का जो डिफरेंशियल है, जैसा कि हमने यहाँ दिखाया कि जब व्हाइट वाले को आप घुमा रहे हो तो ग्रीन वाला घूम रहा है, तो व्हाइट वाला उल्टा तो नहीं घूम रहा है लेकिन रुक गया वहाँ पे। रुकने की स्थिति में क्या होगा, जो दूसरी तरफ वाला है उसको डबल पावर मिलेगी, यानी कि जो व्हाइट वाले की मिल रही थी वो भी मिलेगी और जो खुद की मिल रही थी उसे वो भी मिलेगी। यहाँ पे डिफरेंशियल वर्क करता है, जो पावर आ रही है उसको डिफरेंशियल जो है दो भागों में बांट रहा है, जब वो दो भागों में नहीं बांट पा रहा है प्रॉपरली, एक टायर जो है रुक गया है किसी वजह से, या तो गाड़ी टर्न ले रही है या कहीं पे मतलब ऑफ रोडिंग करते हो तो वो टायर कहीं दब गया है और वो मतलब इतनी पावर नहीं है गाड़ी में, इतना टॉर्क नहीं है कि वो आगे जा पाए, लेकिन अब थोड़ी बहुत तो टॉर्क आ रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो दूसरा वाला टायर है वो बेनिफिट लेगा और वो ज़्यादा घूमने लग जाएगा। पहले उसको अपने हिस्से की पावर मिल रही थी, अब इसके इसके हिस्से की भी पावर उसको मिलने लग गई है। तो ये काम होता है डिफरेंशियल का, ओपन डिफरेंशियल यूज़ किया जाता है। हालांकि ऑफ रोडिंग व्हीकल में ओपन डिफरेंशियल ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है, कारण ये है कि जब दूसरा जो व्हील अटका हुआ है एक्चुअल में उसको भी पावर चाहिए, तभी तो गाड़ी खड्डे में से बाहर निकलेगी, लेकिन ऑफ रोडिंग की सिचुएशन को नहीं देखते हैं। आमतौर पर गाड़ियाँ ऑफ रोड नहीं चलती, ऑन रोड चलती है, और ऑन रोड सिचुएशन में क्या होता है, गाड़ी में ओपन डिफरेंशियल होना ज़रूरी होता है ताकि गाड़ी जो है आराम से टर्न ले सकें, आपकी कोई भी स्पीड हो आप आराम से टर्न ले सकें, आपको हर बार टर्न लेने के लिए स्पीड धीरे करके धीरे धीरे 5-10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टर्न ना लेना पड़े, भले आपकी गाड़ी 100 पे चल रही हो 80 पे चल रही हो, आप आराम से स्टीयरिंग मोड के टर्न ले सकते हैं। ये दोनों गाड़ियों की दोनों टायर्स दोनों व्हील्स हैं उनकी स्पीड अलग अलग करने का काम जो है वो डिफरेंशियल करता है, इसीलिए इसका ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ये, मतलब रोल जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब जो ये पहली वीडियो मैंने डिफरेंशियल के बारे में बनाई है, या प्रॉपरली देख लें, नहीं समझ में आया तो फिर से देख लें, बहुत हेल्प मिलेगी आगे वाली वीडियोस आपको समझने के लिए, जब हम बात करेंगे डिफरेंशियल लॉ क्या होता है, कितने टाइप के डिफरेंशियल होते हैं, लिमिटेड स्ट्रिप डिफरेंशियल क्या होता है, थार का MLD जो लॉक डिफरेंशियल जो आता है, मैकेनिकल लॉक डिफरेंशियल, लॉकर डिफरेंशियल जो बोलते हैं वो क्या होता है, कौन सा डिफरेंशियल कैसे काम करता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आने वाली है, लेकिन ये पहली बेसिक वीडियो है। आप एक बार समझ में नहीं आया फिर से देख लीजिए, उम्मीद करता हूँ मैंने धीरे धीरे और अच्छे से समझाया होगा। पसंद आया दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, मैं आपके लिए रोज ऑटोमोबाइल से रिलेटेड देखना है ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।